जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी की, न्यू रिक्रूटमेंट की। आपको पता ही हम इस चैनल पे नए-नए वैकेंसी रिलेटेड आपको जानकारी देते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2019 की जो वैकेंसी थी उनका अभी तक रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। 2019 से अब तक खींचते खींचते आपका 2021 आ गया है, लेकिन इन बच्चों का अभी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो कब इनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कब इनके एडमिट कार्ड जारी होंगे, आज हम इस वीडियो में इसी सब चीज़ को लेके आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। आपको हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें होने वाला है, कब से आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानकारी देते रहते हैं, एडमिट कार्ड हो, वैकेंसी हो, जो प्रोफाइल हो, हम आपको बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए बच्चा, जो स्टार्टिंग में आपके नोटिफिकेशन निकला था आपके, उसमें एग्ज़ाम डेट भी आपको बता दी थी कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं या एग्ज़ाम है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो इशू नहीं हो पाए हैं। उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, ये नहीं कह सकते, लेकिन NTPC की बात करें इसके समकक्ष, तो NTPC के जो एग्ज़ाम हुए थे वो चलते चलते आपका 5 फेज आपके कंप्लीट हो गए हैं। 6ठा फेज अभी स्टार्ट होने वाला है, 8 अप्रैल से आपके 6ठे फेज का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भी आपका कुछ बच्चे रह जाएंगे, 3 से 4 लाख बच्चे आपके रह जाएंगे NTPC के। उसके बाद अब जो स्टार्टिंग में आपकी डेट दी थी रेलवे ग्रुप डी 2019 की जो बच्चे थे उनकी, तो उसमें दी थी कि आपके 14 अप्रैल से एग्ज़ाम हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है और ना ही लगता है कि 14 अप्रैल से आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे। अब ये होंगे क्यों नहीं, देखिए रेलवे ग्रुप डी के समकक्ष ही एक चल रहा है जिसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में होने वाली है। ये एग्ज़ाम कौन सा है, ये एग्ज़ाम है SSC 10+2 का। जी हाँ, SSC 10+2 का एग्ज़ाम है और ये सेम एजेंसी कंडक्ट करा रही है जो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे थे, वही कंडक्ट करा रही है 10+2 वाले एग्ज़ाम को। सेंटर की बात करें तो जो टाटा के सेंटर थे, IOM वाले सेंटर थे, सेम सेंटर रहने वाले हैं, लोकल सेंटर रहेंगे नहीं। बच्चे भी अच्छे खासे हैं, बच्चे की बात कर लें तो 30 से 35 से 40 लाख बच्चे आपको इसमें SSC 10+2 वाले में बैठने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे, रश ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा, तो इन सब को देखा जाए तो नहीं हो पाएगा जो लगता है। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई क्या तुक है, वो रेलवे ग्रुप डी है, ये 10+2 का SSC का एग्ज़ाम है। देखिए बच्चा, अगर देखा जाए तो सेंटर की कमी पड़ेगी आपकी, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसके संसाधनों की कमी पड़ेगी। अभी तक आपका ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपका 14 अप्रैल से होने वाले होते तो अब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि आपको लगता कि आपका ये होने वाले कब है। तो आपका जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है ये होगा आपका मई के फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो एडमिट कार्ड है वो आपके लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके इशू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने फेस में चलने वाला है, तो फेस में बच्चे ये चलने वाला है 6 से 7 फेस ये चल जाएगा, क्योंकि इसमें 1.5 करोड़ बच्चा बैठा हुआ है, 1 लाख वैकेंसी इसमें है। NTPC में जो थे आपके 35 से 30 लाख बच्चे थे उसमें, और ये इसमें उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और ये 3-4 महीने चलने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो आपका एग्ज़ाम कब से होने वाला है, एग्ज़ाम होगा आपका लास्ट वीक ऑफ मई, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, मान लो 25-26 तारीख से आपके इशू होने स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च अप्रैल के और मई के स्टार्टिंग में आपका इशू हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो और अब पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पैटर्न में क्या आने वाला है। देखिए NTPC का जो एग्ज़ाम आप पीछे से देखेंगे उठा के तो अब काफ़ी वेरी कर रहा है, पहले कुछ और आ रहा था, अब पहले एक स्टैंडर्ड था, अभी कुछ चीज़ें लो की हैं, कुछ अप किया है। आपका रीजनिंग हो, आपका GK हो, बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपनी स्टडी तैयार कर लीजिएगा। आपका कुछ नहीं पता कि आपका किस फेज में पढ़ने वाला है, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, क्योंकि लंबा चलेगा एग्ज़ाम, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में पछताना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमने बता ही दिया है इसमें कि आपके मई के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।